हाय एवरीवन, दिस इज रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे CLS 76 कंप्रेशन लेके। इसके जो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं वो हम देखेंगे, इसको कैसे सेट करना है वो भी हम देखेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि मिक्स में आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अगर आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा एजम्पशन जो है कि आपको जो बेसिक कंप्रेशन है उसका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन रेफर सम ऑफ माय ओल्ड ट्यूटोरियल्स, जिसका लिंक यहाँ पे मैं दे दूंगा। जब आप जो बेसिक कंप्रेशन है सेट करना अगर आपको अच्छे से आ जाता है, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्रेशंस। बहुत तरीके के कंप्रेशंस होते हैं और डिफरेंट कंप्रेशन से हम डिफरेंट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। जैसे कि ये जो CL76 है, ये एक फिट कंप्रेशन है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसका बहुत अच्छा जो वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है वो है 1176। उसके कई सारे सॉफ्टवेयर एमुलेशंस भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसका एक एग्जांपल है UAD और दूसरा एग्जांपल है इस CL76। और भी कई सारे सिमुलेशंस हैं। वेव्स का जो CL76 एमुलेशन है, दिस इज ऑल्सो डिजाइन बाई क्रिस लॉर्ड एलजी, जो एक बहुत फेमस मिक्स इंजीनियर है। फिट कंप्रेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट इज अ वेरी फास्ट अटैक टाइम। सो ये एनालॉग जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जनरली ऐड होता है बिकॉज ऑफ द एनालॉग सर्किट्स, और उसके साथ एक नॉइस प्रोफाइल भी उसके साथ ऐड होता है, जो हम यहाँ से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बार जो सोर्स मटेरियल है उसको सुन लेते हैं। कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ। कहता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ रॉक सॉन्ग। तो हम लोग इसको देखेंगे स्नेयर के ऊपर। स्नेयर जनरली एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, क्यों? क्योंकि स्नेयर में सारे फ्रिक्वेंसीज मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस, वाइट गॉशियन नॉइस उसमें रहता है। सो वी कैन यूज़ द स्नेयर टू अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ प्लगइन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे CL76 डाल रखा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। जब भी आप एनालॉग मॉडल्ड प्लगइन यूज़ करना चाहते हैं, उस टाइम पे जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना जो सोर्स मटेरियल है उसको -18 dBFS में आप सेट करिए। -18 dBFS जो RMS वेलोसिटी है। तो ये सेट करने के लिए क्यूबेस में बहुत अच्छे ऑप्शंस आते हैं, जो कि है दिस मीटर। तो जनरली वाला अगर आपका विजिबल नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, दिस वन। तो यहाँ पे जनरली VSTI दिखाता है या फिर मीडिया दिखाता है, सो यू हैव टू गो टू द मीटर। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शंस अवेलेबल विद इन क्यूबेस। स्टूडियो 1 में भी है ऐसा, जहाँ पे आपका जो ये मीटर है इसको आप चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ द RMS वॉल्यूम। RMS जनरली होता है एक एवरेज ऑफ द सिग्नल, एवरेज वॉल्यूम आप बोल सकते हैं। एंड दिस इज़ द पिक वॉल्यूम। जनरली कोई भी सिग्नल का जो लाउडनेस है वो डिपेंड करता है RMS वॉल्यूम के ऊपर, ना कि उसका पिक वॉल्यूम के ऊपर। तो वी विल सेट द RMS अबाउट -18 dBFS। तो अगर मैं इसको सोलो करके चलाता हूँ, इसको मैं रिसेट करता हूं क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो RMS वेलोसिटी है वो -18.5 pA है। अगर आपका -18.5 में नहीं है, इसके ऊपर जा रहा है, तो आप इसका जो क्लिप गेन है वो यूज करके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि इसका क्लिप गेन मैंने नीचे किया है यहां से, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे पकड़ पे। -18 dBFS इज काइंड ऑफ अ स्वीट स्पॉट, जहाँ पे एनालॉग मॉडल प्लगइन्स जो है अच्छा परफॉर्म करता है। इसके बाद जो CL76 का इंस्टेंस है, मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। सो दिस इज द CL76। इसके दो वर्शंस हैं, वन इज द ब्लू वर्शन, वन इज द ब्लैक वर्शन। सो ब्लू वर्शन में क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आपको कंप्रेशन देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेशन, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टॉर्शन यहाँ पे मिलता है। और ब्लैक वर्शन जो है, दिस इज मोर मॉडर्न, यहाँ पे थोड़ा सा सटल कंप्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। सो बोथ आर वेरी गुड एक्चुअली, मॉडल्ड आफ्टर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ 1176। तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले जो कंट्रोल्स हैं वो हम डिस्कस करें। सो फर्स्टली वी हैव द इनपुट बटन। इनपुट बटन में क्या होता है कि आप ट्रोल कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सिग्नल आप कंप्रेशन के लिए भेज रहे हैं। ये इफेक्टिवली कंप्रेशन को चेंज करना है। अगर आप ज़्यादा सिग्नल भेजेंगे तो कंप्रेशन ज़्यादा सेट करेगा यहाँ पे। अगर आप कम सिग्नल भेजते हैं तो कम कंप्रेशन होगा। तो इसके बाद आपको आउटपुट सिग्नल जो है वो आप सेट कर सकते हैं। तो जनरली आउटपुट सिग्नल सेट करने का जो
फॉर्मूला है वो है कि आपको ये आउट कंप्रेशन डालने के पहले और बाद जो सिग्नल का जो गेन लेवल है वो सेम रहना चाहिए. सो इफ आई बाईपास दिस कंप्रेशन एंड देन आई एंगेज इट, जो है लेवल वो लगभग सेम है, तो यही होना चाहिए. यहाँ पे आप मीटर पे भी देख सकते हैं जो लगभग जो लेवल्स हैं वो सेम ही थे. आउटपुट सेट करने के बाद आप इनपुट सेट कर सकते हैं. अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गेन रिडक्शन हो रहा है, तो यू कैन कंट्रोल द गेन रिडक्शन बोथ बाय रेशियो ऑल्सो बाय द इनपुट लेवल. तो ये सेट कर लेने के बाद यहाँ पे जो आपका है रेशियो, ये जनरली क्या होता है, 4 जो रेशियो है, दिस इज अ मॉडरेट कंप्रेशन या फिर लो कंप्रेशन, इसके बाद 8 पे मॉडरेट कंप्रेशन. जैसे जैसे इसका रेशियो आप इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे इसका कंप्रेशन लेवल और हायर हो जाता है. तो ये एनालॉग मॉडल प्लगइन है, तो यहाँ पे सिर्फ रेशियो ही चेंज नहीं होता, इसके साथ थ्रेशोल्ड जो है वो भी चेंज होता है. ये दोनों सेट हो जाने के बाद यू कैन प्ले विद द अटैक टाइम एंड द रिलीज टाइम विथ योर एक्चुअल सोर्स मटेरियल, जो गाना सुनते हुए आप इसको सेट कर सकते हैं ताकि इसका जो इफेक्ट है प्रॉपरली आपको गाने में यूज कर पाए आप उसको. यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, दिस इज अ मीटर सेटिंग्स, जहाँ पे गेन रिडक्शन इनपुट का जो लेवल्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, आउटपुट का जो लेवल्स हैं चेक कर सकते हैं और इसको बाईपास कर सकते हैं. तो हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं, जनरली हम लोग इसको गेन रिडक्शन में ही रखें. नीचे जो है द 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, ये है इसका एक नॉइस प्रोफाइल. जनरली क्या होता था कि US में 50 हर्ट्ज का पावर सप्लाई होता था और UK के जो साइड है वहाँ पे 60 हर्ट्ज का पावर सप्लाई होता था. तो डिफरेंट जो पावर सप्लाई है उसके डिफरेंट नॉइस प्रोफाइल्स हैं जो आपका जो एनालॉग कैरेक्टरिस्टिक है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करता है. तो वी विल लिसन टू दैट विद ऑडियो एग्जांपल्स. आपको दिखाने के लिए फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि ये जो रेशियो है इसको थोड़ा सा हाई कर देते हैं. फर्स्ट हम लोग देखेंगे अटैक. तो अटैक को समझने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा जो स्नेयर का इनिशियल हिट है वहाँ पे मिलीसेकंड्स के लेवल पे, जो स्नेयर का जो इनिशियल हिट है, जो बॉडी है उसका नहीं, जो इनिशियल हिट है स्नेयर का वो आपको सुनना पड़ेगा. जब अटैक टाइम बहुत फास्ट रहेगा तो ये जो नॉब है ये एक्चुअली उल्टा है. जनरली क्या होता है कि कंप्रेशन के जितने सारे प्लगइन्स हैं वहाँ पे लेफ्ट साइड पे फास्ट अटैक रहता है और हम उसको इंक्रीज करते हैं तो स्लो अटैक हो जाता है. तो यहाँ पे ये एक्चुअली उल्टा है. तो 7 इज द फास्टेस्ट अटैक और 1 इज द स्लोएस्ट अटैक. जैसे जैसे आप अटैक को स्लो करते हैं तो जो इनिशियल हिट है वो पास हो जाता है, उसके बाद कंप्रेशन सेट इन करता है. तो अगर आपको बहुत पंची साउंड चाहिए, एकदम टक टक करके स्नेयर चाहिए, तो यू कैन सेट द स्नेयर अटैक टाइम टू यू नो काइंड ऑफ स्लो. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका जो फास्टेस्ट अटैक टाइम है इसको मैं सेट कर देता हूँ. देन आई विल बी स्विचिंग टू दिस वन. तो आपको जो सुनना है तो इसका इनिशियल जो हिट है वो आपको सुनना है, तो आप सुन पाएंगे कैसे स्नेयर जो है और पंची हो रहा है यहाँ पे. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो स्नेयर का जो पंचीनेस है वो कैसे इंक्रीज हो जा रहा है. तो लगभग क्या होता है कि इसको अगर हम 3 के आसपास सेट करें तो ये दैट इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. अभी आते हैं रिलीज में. रिलीज क्या होता है कि जो साउंड का जो बॉडी है, मतलब कोई भी ऑडियो सिग्नल का इनिशियल जो स्नैप है वो पास हो जाने के बाद उसका जो बॉडी है उसको कंट्रोल करना. कंप्रेशन जैसे ही ऑडियो सिग्नल थ्रेशोल्ड के नीचे गिर जाता है उसको वापस वही वाले लेवल पे वापस आने में इतना टाइम लग रहा है. अगर हम रिलीज जो है इसको बहुत स्लो कर देते हैं तो क्या होगा, ये कंप्रेशन बहुत जल्दी रिलीज नहीं होगा, वो सिग्नल को पकड़ के रखेगा, मतलब इसका वॉल्यूम कम ही रखेगा. और इसको अगर मैं बहुत फास्ट कर देता हूँ तो कंप्रेशन जैसे ही थ्रेशोल्ड सिग्नल जैसे ही थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे जा रहा है फटाक से ये जो साउंड है उसका इनिशियल वॉल्यूम पे वापस चला जा रहा है. तो अगर आप बॉडी को सुनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इसका जो बॉडी है साउंड का और जो रिलीज है वो कैसे इंक्रीज हो जाए. इसको आपको डेमो देता हूं यहां पे, जो बॉडी है उसको आप सुनिएगा.
अभी यहाँ पे अगर आप ये नॉइस प्रोफाइल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि 50 हर्ट्ज जो होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नॉइस यहाँ पे आता है, और 60 हर्ट्ज में थोड़ा सा कम, ऑफ कर सकते हैं तो बिल्कुल नॉइस प्रोफाइल नहीं आएगा। फिर भी जो एनालॉग वॉर्म्थ है, जो कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं ऐड होगा, लेकिन इसका जो 50 हर्ट्ज वाला सेटिंग्स है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू हैव अ वेरी गुड हेडफोन फॉर दैट। देन यही वाला जो कंप्रेशन सेटिंग है, इसको अगर मैं ब्लूई में कर देता हूँ, ब्लू वर्जन में कर देता हूँ, तो ये जो कंप्रेशन है और बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेट्स हैव अ लिसन। तो ये जो ऑल वाला सेटिंग है, ये एक्चुअली जो एक्चुअल 1176 है उस वहाँ से आता है। तो यू कैन प्रेस ऑल दिस बटन टुगेदर, तो क्या होता है कि एक बहुत हार्ड लिमिटिंग कंप्रेशन जो है वो किकिंग होता है। सो दिस कैन ऐड यू नो सम कैरेक्टर टू योर ड्रम्स, और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है अगर आप पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू आप ये एंगेज करते हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में CL76 इज रियली वाइडली यूज्ड ड्रम मिक्सिंग ट्रिक। अभी मैं इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करता हूं जो मेरा मिक्स है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मिक्स में सुनते हैं। जनरली ये जो अटैक टाइम है और रिलीज टाइम है, इसको चेंज करना होता है, एंड रेशियो यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। देखिए यहाँ पे जो लास्ट अटैक टाइम है, कैसे स्नेयर का ट्रांजिएंट्स एंड द कैरेक्टर बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है। अगर मैं इसका जो रिलीज टाइम है बहुत ज्यादा स्लो कर देता हूँ तो भी ये गाने के साथ उतना ज्यादा जिलप नहीं करेगा। दिस इज नॉट द रिवर्ब ऑफ द स्नेयर, लेकिन फिर भी जो टेल है उसको अगर आप एम्फसाइज करते हैं तो स्नेयर का साउंड में आप काइंड ऑफ अ रिवर्ब ऐड कर सकते हैं जो साउंड को बिल्कुल क्लटर नहीं करेगा। फिर भी एक जो बड़ा स्नेयर है, एक बिग स्नेयर वाला जो फील है वो आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड कर सकता है। सो लेट्स लिसन टू बाय चेंजिंग द रिलीज टाइम अगेन। चिल्ला चिल्ला के मैं ये सब क्या मैं बताऊँ, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ। दिल कहता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊँ। चिल्ला। तो आप देख सकते हैं कैसे इस गाने के साथ ये स्नेयर को बिल्कुल चिल कर रहा है ये। Also, we can have a very big snare impact with this only one plugin. इसके साथ CL76 जो है ये सारे sources में काम कर सकता है। ये मेरा बहुत favorite plugin है, इसको vocals में भी कई बार मैं use करता हूँ, और drum bus में जो parallel compression है वहाँ पे भी आप CL76 use कर सकते हैं। This is a very widely used and great compression. So, that was the CL76 for you. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो डेफिनेटली स्मैश द लाइक बटन। तो वेब्स के ये जो ट्यूटोरियल सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे वेब्स के प्लगइन रिव्यू करेंगे और कैसे उसको यूज करना है इन अ मिक्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मिक्सिंग एंड मास्टरिंग में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर हफ्ते मिक्सिंग FL स्टूडियो क्यूबेस स्टूडियो 1 के ऊपर ट्यूटोरियल्स अपलोड होते रहते हैं। अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है, आई थिंक यू विल लव दिस चैनल। अगर आपको मुझसे कोर्सेस करना है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन सेंड अ मेल टू studio9kolkata@gmail.com। आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं studio9musicproduction.com पे, यहाँ पे कोर्स के रिलेटेड जितने सारे इंफॉर्मेशन हैं वो आपको मिल जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, मेरे वेबसाइट पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, कैसे आपको स्टूडियो बिल्ड करना है, कौन से गियर्स आपको चाहिए, ये सारे जो गियर्स हैं वो मेरे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा। क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये सम...
समझोगे शायद मैं पागल हूँ। दिल कहता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊँ, चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कहूँ।